हाय गाइस, वेलकम बैक टू ब्यूटी ऑफ इंडिया टूर चैनल। मैं हूँ राज। भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा का सबसे बड़ा नगर एवं पूर्वी भारत का आर्थिक एवं सांस्कृतिक केंद्र है। तो उड़ीसा कैसे जाए, कहाँ घूमे, कितने दिनों के लिए जाए, पूरी जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में और अंत में बताया जाएगा टोटल कॉस्ट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रांची टू भुवनेश्वर 460 किलोमीटर, कोलकाता टू भुवनेश्वर 438 किलोमीटर है। भुवनेश्वर पहुंचना बहुत ही आसान है क्योंकि यह उड़ीसा की राजधानी है। भुवनेश्वर में रेलवे स्टेशन भी है जो सभी जगह से वेल कनेक्टेड है और एयरपोर्ट भी है। रांची और कोलकाता से भुवनेश्वर के लिए बसेस भी चलती है। मैंने भुवनेश्वर घूमने के लिए 2 डेज का टूर प्लान बनाया है जो इस प्रकार है। डे 1 में आप जाएंगे नंबर 1 लिंगराज टेम्पल। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। लिंगराज का अर्थ है लिंगम के राजा, जो भगवान शिव को कहा गया है। यहाँ का टाइमिंग 5 AM टू 9 PM का है। नंबर 2 राजा रानी टेम्पल। इस मंदिर को इंदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर की दीवारों पर शिव और पार्वती विवाह के चित्र उकेरे गए हैं। यहाँ का टाइमिंग 7 AM टू 5 PM का है। एंट्री टिकट 5 रुपीज है। नंबर 3 स्टेट म्यूजियम। यह म्यूजियम 1932 में स्थापित किया गया था। इस संग्रहालय में कई दीर्घाएं स्थापित है। यहाँ का टाइमिंग 10 AM टू 5 PM का है। मंडे क्लोज रहते हैं। एंट्री टिकट 10 रुपीज है। नंबर 4 पठानी सामंत प्लेनेटेरियम। इसकी स्थापना रात्रि आकाश देखने, ऑडियो विजुअल कार्यक्रम जैसे गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए की गई थी। यहाँ का टाइमिंग 2 PM टू 6 PM का है। मंडे क्लोज रहते हैं। एंट्री टिकट 30 रुपीज है। नंबर 5 मुक्तेश्वर टेम्पल। यह मंदिर 2 मंदिरों का समूह है, परमेश्वर मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। यहाँ का टाइमिंग 6 AM टू 7:30 PM का है। एंड नंबर 6 धौली शांति स्तूप। यह मंदिर भगवान बुद्ध को समर्पित है। इसका स्थापना 1970 में किया गया था। इसका टाइमिंग 6 AM टू 6 PM का है। डे 2 में आप जाएंगे नंबर 1 नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क। इस पार्क में सफेद बाघ, गिद्ध, शेर जैसे और भी जंगली जानवर देखने लायक हैं। यहाँ का टाइमिंग 8 AM टू 5 PM का है। एंट्री टिकट 40 रुपीज है। नंबर 2 एकमड़ा कानन बोटेनिकल गार्डन। इस पार्क में आप फूलों एवं बागों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ का टाइमिंग 8 AM टू 7 PM का है। एंट्री टिकट 25 रुपीज है। नंबर 3 म्यूजियम ऑफ ट्रिबल आर्ट्स। इस म्यूजियम में आदिवासी कला और कलाकृति के प्रमुख आकर्षण है। यहाँ का टाइमिंग 10 AM टू 5 PM का है। मंडे क्लोज रहते हैं। एंट्री टिकट फ्री है। नंबर 4 श्री राम मंदिर। आप भुवनेश्वर आए हैं तो इस मंदिर का दर्शन जरूर करें। नंबर 5 उदयगिरी एंड खंडगिरी कैब्स। खंडगिरी और उदयगिरी की जुड़वा पहाड़ियाँ, जिन्हें कुमारगिरी के नाम से भी जाना जाता है, यह चट्टानी गुफाओं के लिए प्रचलित है। यहाँ का टाइमिंग 8 AM टू 5 PM का है। एंट्री टिकट 15 रुपीज है। एंड नंबर 6 रीजनल म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री। इस संग्रहालय में अनेक जानवरों के चर्मपूर्ण प्रदर्शन किया गया है। यहाँ का टाइमिंग 10 AM टू 5 PM का है। मंडे क्लोज रहते हैं। एंट्री टिकट फ्री है। अब बात करते हैं पर पर्सन कॉस्ट का, जो 2 डेज के लिए है। होटल का कॉस्ट 1500। होटल आप 20 डेज पहले ही ऑनलाइन बुक करवाएंगे तो आपको होटल चीप में मिल जाएंगे। मील का कॉस्ट 1000। थाली आपको 100 से 150 में इजी अवेलेबल हो जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट 1000। आप जिस भी जगह घूमने जाएंगे तो बस या शेयर ऑटो का इस्तेमाल करें। एंट्री टिकट का कॉस्ट 500। तो टोटल कॉस्ट देखें तो 4000 में आप पूरे भुवनेश्वर घूम सकते हैं। होटल का लोकेशन नया पल्ली मिले। भुवनेश्वर घूमने का बेस्ट टाइम अक्टूबर से मार्च का है क्योंकि यहाँ भीषण गर्मी पड़ती है। तो ऐसे ही बजट ट्रिप प्लान वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपके पास। थैंक यू फ्रेंड्स।